मैं संजना, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज इंटरव्यू में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना ने खोले पत्ते, इस उम्मीदवार का करेगी समर्थन। महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दामन एंड दीव के कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का फैसला किया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति तय करने के लिए एनडीए ने बैठक बुलाई है। मीटिंग में सिंधे गुट को भी न्योता मिला है। बैठक दिल्ली में होगी। सिंधे गुट के नेता दीपक केसरकर इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। ज्यादातर सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का सुझाव दिया। ये जानकारी शिवसेना नेता गजानन कार्तिकारी ने दी है। कार्तिकर ने कहा, ज्यादातर सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दामन एवं दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद है। कार्तिकर ने कहा कि बैठक में 13 सांसद भौतिक रूप से शामिल हुए, जबकि 3 अन्य संजय जाधव, संजय मंडालिक और हेमंत पाटिल बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने नेतृत्व को अपने समर्थन की पुष्टि की। कार्तिकर ने कहा, ज्यादातर सांसदों की राय थी कि पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2 लोकसभा सदस्य भावना गवली और श्रीकांत सिंधे, मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे के बेटे, बैठक में शामिल नहीं हुए।